हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के बारे में क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और आपका एग्जाम कब तक हो जाएगा यहाँ पे एनटीपीसी का। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी अपडेट है सारी आपको यहाँ पे मिल सके। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग पता है कोरिंडम नंबर 8 तक आपका आ चुका था यहाँ पे, और अभी हाल फिलहाल में जो है आपकी मिनिस्टर आइसोलेशन की जो है उसका कोरिंडम आया था। अब आपका यहाँ पे एनटीपीसी का जो है कोरिंडम नंबर 9 आ चुका है, जो हमने आपको पिछली बार बताया था। तो आप इसे जाके देख सकते हैं यहाँ पे IREPS की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी चेन्नई CEN 01 2019 ECA। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें जो कोरिंडम नंबर 9 के अंदर जो डेट्स है वो फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, और कब तक कर दी गई है तो पहले थी आपकी जो है 17/8/2020 और अब कर दी गई है 7/9/2020 में। तो पूरा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एक्सटेंड कर दी। और जो टाइम क्लोजिंग था आपका यानी टेंडर का जो क्लोजिंग डेट था वो था 31/8 और अब कर दिया यहाँ पे 21/9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कोरिंडम के ऊपर कोरिंडम यहाँ पे निकाले जा रहे हैं रेलवे के द्वारा। तो बात करें दोस्तों अब एग्ज़ाम यहाँ पे कब तक होगा, तो जैसे कि आप सब लोग पता है केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे COVID-19 के। और बात करें दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम्स है अब यहाँ पे एनटीपीसी के वो यहाँ पे कब तक होने के चांसेस है, तो दोस्तों काफ़ी अगर ऐसी एक दो बार कोरिंडम आ गए तो 2020 के अंदर आपके काफ़ी मुश्किल है कि जो आपके एग्ज़ाम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी मोरल डाउन हो चुका है क्योंकि 2019 का फॉर्म है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुका है लेकिन अभी तक यहाँ पे एग्ज़ाम का कोई भी अता पता नहीं है। हालांकि ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, बाकी जो भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, अपनी तैयारी जारी रखिए। जो एग्ज़ाम जल्दी होने वाले उन सब का फॉर्म आप सब लोगों ने भर ही रखा है, तो उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। बाकी अपने रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी कोई भी अपडेट आएगी, ऑफिशियल अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के द्वारा अपडेट जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।